यही फायदा है। यस, चलिए आज अपने एक और नए स्टूडेंट से मिलवाता हूं, नाम है सागर गुप्ता जिसका ऑल इंडिया 42 रैंक है और सागर झांसी को बिलोंग करते हैं और झांसी से इन्होंने भोपाल आके फाइनल ईयर के साथ निमसेट में रैंक क्रैक की। और एक और बात है कि सागर जो है वो सोनू गुप्ता का बहुत अच्छा फ्रेंड भी था और कई बार बोलते हैं कि फ्रेंड सर्कल अच्छा हो तो उसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं, तो जैसे सागर की 42 रैंक है वैसे सोनू की रैंक 8 थी। तो सागर सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा कि आप अपने लाइफ के जो ये जर्नी रही आपकी वन ईयर की और जो आपने ये रैंक अचीव की, इस रैंक को अचीव करने में क्या क्या आपने एफर्ट्स लगाए और आपकी इंपीटस गुरुकुल में क्या जर्नी रही, मैं चाहूंगा बच्चों को आप बताएं। सर सबसे पहले तो इस रैंक के लिए सर आपका, प्रतीक सर, शिवम सर और पूरे इंपीटस के स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आप लोगों के गाइडेंस की वजह से ही मैंने सोचा नहीं था कभी मेरी 42 रैंक आएगी। मैं सोचा था कि हाँ भाई टॉप 4 में से कोई एक एनआईटी मिल जाएगा, लेकिन मैंने सोचा चलो पढ़ते रहो अपन, तो उसके अकॉर्डिंग धीरे 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 पढ़ते रहे अपन, फिर आज इस मुकाम पे आ गए कि अपन एक सेलिब्रिटी टाइप लगने लगे। लोग जहां भी जाते हैं लोग पूछते हैं अरे वाह तुमने तो नाम कर दिया ऑल इंडिया रैंक 42। बिल्कुल सही बात है सोनू, क्या होता है जब तक हमने कुछ अचीव नहीं किया होता, जिस भी फील्ड की हम बात कर रहे हैं, जब तक हम एज ए नॉर्मल इंसान ट्रीट होते हैं, पर जैसे ही हम कुछ अचीव करते हैं तो लोगों का नजरिया हमारी तरफ बदल जाता है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा सागर के बारे में, सागर और सोनू दोनों में एक खास बात थी, दोनों काफी साइलेंट बच्चे थे क्लास में, नॉर्मली साइलेंट रहकर अपनी पढ़ाई करते थे और अपना पूरा इन्होंने साल भर फोकस पूरी पढ़ाई पे रखा। और जो ये बात इन्होंने बोली, जब हम मेहनत करते हैं तो कई बार हमें नहीं पता होता कि हमें ये रिजल्ट मिलेगा, पर मेहनत का रिजल्ट अच्छा मिलता है। हमेशा कहा जाता ना कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो आप उसके एक बेस्ट एग्जांपल, आप भी और सोनू भी। हाँ सर, मेरे डैडी भी यही बोलते हैं कि मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती, बस लगे रहो तुम तो। बिल्कुल सही बात है। तो सोनू सागर, मैं ये चाहूंगा कि आप बच्चों को ये बताइए कि आप क्योंकि फाइनल ईयर के साथ थे, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनल ईयर के साथ ये सोचते हैं कि फाइनल के साथ मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा और हम ड्रॉप लेके करें, तो आपने ये दोनों मैनेजमेंट को कैसे किया, मैं चाहूंगा ये बच्चों को बताएं, क्योंकि जो बच्चे फाइनल के साथ ये डिसाइड कर लेते हैं करना है वो कर जाते हैं, पर कई बच्चे ये कंफ्यूजन में रुके रहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर फाइनल वाले बच्चों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप कॉलेज को भी थोड़ा फोकस रखो, क्योंकि एग्जाम तो हो ही जाएगा लेकिन कॉलेज में अगर आप बैक हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये है कि जैसे हम लोग जाते थे, हम और सोनू दोनों साथ में ही रहते थे, हम लोग कोचिंग के बाद घर जाते थे, उसका सोचते थे चलो आज कॉलेज का ही पढ़ लेते हैं, तो कभी सी लैंग्वेज, कभी जावा, कभी पाइथन, कोई ना कोई उसके साथ साथ बगैर कोचिंग में दिन में पढ़ते ही थे, आप भी जानते हो ऑफलाइन स्टूडेंट थे हम लोग। तो मतलब रोज की पढ़ाई का जो शेड्यूल था उसमें कॉलेज की पढ़ाई और एमसीए की पढ़ाई का मैनेजमेंट क्या था, क्योंकि कई बच्चे ये मैनेजमेंट नहीं कर पाते। सर मोस्टली हम लोग कॉलेज की पढ़ाई संडे को करते थे, क्योंकि संडे को टेस्ट के बाद हम लोग फ्री रहते थे एनालिसिस करने के बाद, उसके बाद हम लोग सोचते थे चलो आप कुछ कॉलेज का ही पढ़ लेते हैं। जी मतलब कहना यह है कि कॉलेज की पढ़ाई, वैसे भी मैं मानता हूँ कॉलेज के लिए कोई 24 घंटे नहीं पढ़ना होता, मतलब वीक के एक दिन आप कॉलेज की पढ़ाई करते थे और 6 दिन एमसीए की पढ़ाई। यही मैं कहना चाहूंगा आप सभी बच्चों को जो फाइनल ईयर में है, कि अगर आपका सही मैनेजमेंट होगा तो जैसे सागर ने, सोनू ने और भी कई सारे बच्चे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, आप भी दे सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम मैनेजमेंट। दूसरा मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि टेस्ट पेपर, क्योंकि किसी भी सिलेक्शन में टेस्ट पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो मैं चाहूंगा कि आपने टेस्ट पेपर किस ढंग से दिया और एनालिसिस कैसे करते थे? नहीं सर, टेस्ट पेपर तो जब भी हम लोग संडे टेस्ट पेपर देने आते थे तो सोचते थे हाँ भाई इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कोई इजी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन छूटता है तो बहुत दुख होता है। एक दो छूट गए, बिल्कुल उसका भी यार रिग्रेट तो है। तो देखो सागर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट पेपर, और उस पेपर में कभी भी सिंपल क्वेश्चन ना छूटे। इस बार कई बच्चों के साथ ये गड़बड़ हो गई, पेपर अच्छा था, इजी था, पर वो गलत क्वेश्चन में उलझ गया और उस वजह से उनके स्कोर्स कम हो गए। तो ये क्योंकि आपने डे वन से याद रखा था, और देखो इसका फायदा एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा हुआ। तो चलिए सागर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं जानना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो फाइनल ईयर में है और अभी 7 महीने बचे, 6-7 महीने। कई बच्चों के मन में डर है कि इतने कम समय में कैसे होगा, तो आपका क्या मैसेज है उसके लिए? सर मेरा जूनियर्स के लिए एक ही मैसेज है कि सर आप जो टाइम टेबल बनवाते हो उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने और सोनू ने यार जितने भी कोचिंग में सिलेक्टेड बच्चे सभी ने उसी को फॉलो किया है, आपके रूल की वजह से हम लोग यहाँ पर पहुंचे। जी जी गुड बेटा, थैंक यू।
चलो सागर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये अभी शुरुआत है आपके जीवन की, अभी जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली आपको एनआईटी त्रिची मिलेगा और वहां जाके भी बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, बेस्ट प्लेसमेंट लेना है। और अपनी जिस जगह से आप आए हो, झांसी खैर बहुत छोटी सिटी भी नहीं है पर बहुत बड़ी भी नहीं है, तो एक अच्छी मतलब एक जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ कई लोग आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ो, सफलता प्राप्त करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।